नवरात्र के दौरान जहां पहाड़ों की रानी शिमला पर्यटकों से गुलजार रहती थी, हर वर्ष नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा के लिए बंगाल और गुजरात से सैलानी बड़ी संख्या में शिमला आते थे। लेकिन इस बार स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत रही। कारोबारियों को नवरात्रों में कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार नवरात्रों में पर्यटक काफी कम तादाद में शिमला पहुंचे और शिमला में नवरात्रों के दौरान 30% से कम ऑक्यूपेंसी रही, जिससे पर्यटन कारोबारी काफी परेशान है। शिमला टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल ने कहा कि इस बार नवरात्रों में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। 10 जुलाई के बाद आपदा के चलते सभी बुकिंग कैंसिल हो गई थी और 3 महीने तक कारोबार जीरो हो गया था। उसके बाद इस महीने कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार द्वारा टेम्पू ट्रैवलर पर टैक्स लगा दिया, जिससे बाहरी राज्यों के टूर ट्रैवलर ने इससे किनारा कर दिया और बुकिंग काफी रद्द हो गई। सरकार ने टैक्स का फैसला वापस लेने में देरी कर दी, जिससे पर्यटकों ने अन्य राज्यों का रुख किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए सरकार को जिस तरह से प्रयास करने चाहिए थे, उस तरह के प्रयास नहीं किए गए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजना बनानी चाहिए, सरकार को पर्यटन नीति में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब विंटर सीजन पर पर्यटन कारोबारियों की नजरें टिकी है, लेकिन अभी तक काफी कम बुकिंग हो रही है। आज की डेट में अगर मैं शिमला की बात करूँ, पिछले काफ़ी सालों से, मतलब जब से मैं अपनी पर्सनली बात करूंगा, 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, तो बहुत सालों से देखा जा रहा है कि जो सबसे हमारा अच्छा सीज़न होता है वो अक्टूबर महीने का रहता था, जिसमें दुर्गा पूजा फेस्टिवल में वेस्ट बंगाल के टूरिस्ट जो है बड़ी अधिक मात्रा में यहाँ घूमने आते थे। उनकी जो मात्रा, मतलब अभी जो, मतलब आज की जो स्थिति है, आज दशहरा हो गया है और 10 नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं। इन पूरे नवरात्रों में अगर ऑल ओवर अगर बात की जाए तो 20% की ऑक्यूपेंसी रही है, जो कि बहुत ही कम है इस बार हिमाचल के लिए। हिमाचल में काम जो है बिल्कुल जीरो रहा है। थोड़ी सी ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश पे 10 जुलाई को, उसके बाद से ही बुकिंग कैंसिल होनी शुरू हो गई थी। वो तो पता था कि बुकिंग कैंसिल हो रही, तो जस्ट उसके बाद जैसे ही सितंबर में मौसम ठीक हुआ था, कुछ बुकिंगें द्वारा रिन्यू हुई थी, कुछ बुकिंगें आनी थी। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि टैक्स लगा दिया गया था, उसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बाहर की स्टेट में वो जो मैसेज गया था उस वजह से भी बुकिंग कैंसिल हो गई थी, और इसको टैक्स को वापस लेने में अब जो है बहुत लेट होगी। ये 1st और 2nd नवरात्रे में हुआ, तो मतलब वो उस टाइम कोई भी टूरिस्ट अगर इतनी दूर से घूमने आता है 2000 किलोमीटर से, तो कम से कम 10 से 20-25 दिन पहले या 2 महीने पहले प्रोग्राम को बनाता है कि हमको इस स्टेट में घूमने जाना है, तो एकदम सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। इसी वजह से आज हमारा पूरा सीज़न जो है नवरात्रे का पूरा ख़त्म हो गया है। आने वाला दिवाली का सीज़न है, उसमें भी बुकिंगें कैंसिल है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी अगर टोटल ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो 30 से 35% के भी ये मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी होगी, और जितने भी अभी हमारा लास्ट वीकेंड गया है वो भी 30 से 40% का वीकेंड गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतना बड़ा वीकेंड था जिसमें दशहरा भी था और जिसके अंदर 2-3 छुट्टियाँ भी आई है, उसके बावजूद भी कल की अगर मैं होटल की बात की करूँ मंडे की, और आज दशहरा है, शिमला के अंदर ऑक्यूपेंसी 10% से 15% थी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए। सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे कि आपदा आई थी उसके बाद सरकार का थोड़ा फ़र्ज बनता था कि इसको अच्छे से एडवर्टाइजमेंट किया जाए, पूरे देश और दुनिया में बताया जाए कि हमारा हिमाचल बिल्कुल ठीक है। एक सीएम साहब ने एक थोड़ा सा शायद 5 सेकंड का या 20 सेकंड का एक क्लिप दिया था कि अब आप हिमाचल में आ सकते हैं, अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे बात नहीं बनती है। आपको पूरा आज की डेट के अंदर मैं अगर हिमाचल टूरिज़्म की बात करूँ, तो हिमाचल टूरिज़्म के अंदर हर साल करोड़ों रुपए के स्टेशनरी के टेंडर निकलते हैं कि स्टेशनरी छापने के लिए। वो आज तक समझ नहीं आया कि स्टेशनरी किसको मिलती है, ना टूरिस्ट को मिलती है वो स्टेशनरी, ना इनके मार्केटिंग ऑफिस में किसी को दी जाती है, ना आप लोग को, हम लोगों को मिलती है। 1 करोड़ रुपए की स्टेशनरी किस लिए छपाई जाती है? क्योंकि अब विजिटिंग कार्ड और स्टेशनरी का ज़माना तो ख़त्म हो गया है, अब है सोशल मीडिया का ज़माना। क्यों ना 1 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया में लगाए और हमारे हिमाचल को बताया जाए, क्योंकि आज की डेट के अंदर 120 करोड़ की अगर हमारी आबादी है तो उसमें 100 करोड़ आदमी मोबाइल को देख रहा है और फेसबुक को देखता है। तो क्यों ना हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी हमारी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग है उसमें उतना पैसा लगाए, बजाय ये स्टेशनरी छुपाना, करोड़ रुपए के टेंडर आना, और वो स्टेशनरी इनके मार्केटिंग ऑफिस में गल रही होती है, सड़ रही होती है। आज भी आप जाके देखेंगे कई जगह पे 5 साल पुरानी स्टेशनरी इनके गोदाम में मिल जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। बजाय उसके मार्केटिंग की जाए, उल्टा आपको जितने भी हिमाचल प्रदेश के होटल्स, होटलियर है या ट्रैवल एजेंट्स है या आपके जो भी टैक्सी ऑपरेटर, जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं, उन सबको बैठा करके
बात की जाए कि इसको किस तरह से हमारे को आगे लेके जाना है, एक पॉलिसी बनाई जाए, बल्कि इवन होटलियर भी पैसा देने के लिए तैयार है और ट्रैवल एजेंट भी देने के लिए तैयार है, सब मिलकर के अगर सरकार को पैसे की कमी है तो हम सब मिलकर के करें, एक प्लेटफॉर्म में आके टूरिज्म अपनी ऐड निकाल ले, हर बंदे को हर टाइम सुबह उठने से लेकर शाम तक हिमाचल टूरिज्म हिमाचल टूरिज्म हिमाचल टूरिज्म दिखे, क्यों नहीं टूरिस्ट आएंगे? लोगों के दिमाग में अभी भी ये कि पता नहीं हिमाचल में क्या हो गया है, दोबारा से हिमाचल खड़ा हो पाएगा नहीं खड़ा हो पाएगा, ये सब चीज़ें अभी तक पूरी एक्सप्लेन नहीं, मतलब ढंग से पता नहीं लग रही है टूरिस्टों को, तो वो पता लगे और हिमाचल के जितने हमारे जैसे मनाली छोड़ करके और आउटस्कर्ट एरिया है ऑफबीट एरिया है उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट की जाए और हिमाचल के जितने टूरिज्म के होटल्स हैं उसको अच्छे से ड्रोन के थ्रू अच्छी अच्छी उसकी वीडियोस बना करके वो दिखाया जाए, क्यों नहीं टूरिस्ट आएगा? आप सोशल मीडिया का जमाना है और सरकार को इसकी मार्केटिंग अच्छे लेवल पे सोशल मीडिया पे करनी चाहिए, जो नहीं हो पाई जिसकी वजह से आज हम पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बिल्कुल जीरो हो गई, उस पर ही उम्मीद लगी है जी, अब और तो कोई उम्मीद नहीं है, पर बुकिंग तो अभी तक कोई नहीं हो रही है। अगर मैं आप टूरिज्म में भी बात कीजिए, बर्फबारी की जो बुकिंग है 20% भी अभी तक नहीं हुई है, वो भी मेरे ख्याल से 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में होगी, दिसंबर से पहले 21 दिसंबर से पहले कोई काम नहीं है और 31 दिसंबर के बाद जो जनवरी फर्स्ट वीक है सेकंड वीक उसमें भी कोई काम नहीं है। तो एट पार मतलब लोग कहते हैं कि लोग टूरिस्ट जो कश्मीर चला गया है या इधर चला गया, ये सब कुछ ऐसा नहीं है, वो इसलिए गया है क्योंकि उन्होंने देखिए साल के अंदर जो वेस्ट बंगाल के टूरिस्ट हैं कहीं ना कहीं जाते हैं, उन्होंने हिमाचल का प्रोग्राम बनाया था और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसी आपदा आई, उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम को डाइवर्ट कर दिया कश्मीर के लिए उत्तराखंड के लिए राजस्थान के लिए या किसी और जगह के लिए, ये एक साल हो सकता है पर ये दूसरे साल ना हो, इसके लिए हमें ऐसी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हम एक स्टेट या दो स्टेट के ऊपर डिपेंड ना रहे, पूरा हिंदुस्तान हमारे स्टेट में आए और इसको घूम के जाए।